हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आपको इस क्वेश्चन में मीडियन और बेटा मॉड पूछा है, मध्यिका और बहुलक पूछा है। सबसे पहले ये जो नंबर दिए हैं आपको इसे बेटा अरेंज करना होता है, किसमें असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? छोटे नंबर से बेटा बड़े नंबर की ओर चल दो, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कहने का मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर देखो, 12 कितनी बार आ रहा है? दो बार, लिख दो 12। अब बेटा 13 देखिए, दो बार आ रहा है, 13। अब बच्चों 14 तीन बार आ रहा है, तीन बार लिख दो 14। अब बेटा 16 एक बार आ रहा है, ये बच्चों 16। अब 19 एक बार आ रहा है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनना इससे जरूरी होता है, इससे बेटा कोई नंबर मिस नहीं हुआ इसका हमें पता चल। अब सबसे पहले हम पता करेंगे मॉड, या हिंदी में कहते हैं बहुलक। बेटा कैसे पता करते हैं बहुलक या मॉड क्या है? तो आप ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है इनमें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है? तो आप ध्यान दीजिए 14 बेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? तीन बार। तो बेटा दिए हुए डाटा का मॉड या बहुलक क्या हो गया? 14 हो गया। अब बच्चों मीडियन पता करेंगे, मध्यिका। मध्यिका का मतलब मध्य वाला पद, मिडिल टर्म। अब आप ध्यान दीजिए, इधर से यदि आप दो छोड़ते हैं आगे की तरफ से, तो बेटा इधर से दो छोड़ दो, हमें बीच वाला टर्म पता करना, ठीक है। दो इधर से छोड़े, दो उधर से छोड़ दिए, इधर से बेटा दो छोड़े, इधर से भी दो छोड़े, ठीक है। क्या करा? इधर से बेटा चार छोड़े, इधर से भी चार छोड़े, आगे से चार, पीछे से चार, बीच में नंबर कौन सा बचा? देखिए 14 बचा। तो इस तरह से बेटा मिडिल टर्म या मध्य पद कौन सा आया? 14। तो मीडियन क्या हो गई? 14। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का मॉड आया 14 और मीडियन भी 14।